हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे बॉलीवुड के म्यूज़िक कंपोज़र और डायरेक्टर एसएन त्रिपाठी जी के बारे में। एसएन त्रिपाठी जी का पूरा नाम है श्री नाथ त्रिपाठी। इनका जन्म 14 मार्च 1913 को वाराणसी में हुआ था। ये बॉलीवुड म्यूज़िक के जाने माने म्यूज़िक कंपोज़र और डायरेक्टर थे। हैरानी की बात यह है कि 100 फिल्मों से भी ज़्यादा फिल्मों में म्यूज़िक देने के बावजूद इन्होंने अपनी म्यूज़िकल क्रिएटिविटी और टैलेंट एज राइटर, एक्टर एंड फिल्म डायरेक्टर के रूप में भी दिखाई है। एक इंसान और इतना काम। पहली फिल्म जिसमें एसएन त्रिपाठी जी ने एज एन इंडिपेंडेंट म्यूज़िक कंपोज़र काम किया वो थी चंदन 1939 में। ये फिल्म मिलने के पहले 1935 में जब वो मुंबई आए तो इन्होंने बॉम्बे टॉकीज़ में एज अ वायलिनिस्ट काम किया। इसके बाद फीमेल म्यूज़िक डायरेक्टर सरस्वती देवी यानी खुर्शीद होम जी के असिस्टेंट के रूप में काम किया। 1943 में पनघट फिल्म से इन्हें काफ़ी सक्सेस मिली। आइए पहले देखें एसएन त्रिपाठी जी की कुछ बेहतरीन म्यूज़िकल कॉम्पोजिशंस। न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके, मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। ये गीत है फिल्म लाल किला से और इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने। क्या आप जानते हैं कि इस गीत में जो एक्टिंग की है वो तो एसएन त्रिपाठी जी ने ही की है। मानना पड़ेगा इनके एंथुजियाज्म और पॉजिटिव एनर्जी को। रानी रूपमती का यह गीत देखिए जो कि मुकेश जी की आवाज़ में है। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। एसएन त्रिपाठी जी की इस म्यूज़िकल कॉम्पोजिशन को देखिए जो कि बहुत ही हिट हुई थी और यह गीत है संगीत सम्राट तानसेन फिल्म से। झूमती चली हवा, याद आ गया कोई बुझती बुझती आग को, फिर जला गया कोई। झूमती चली हवा, खो गई है मन, और ऐसे में मुझे फिर बुला गया कोई। झूमती चली हवा। संगीत सम्राट तानसेन फिल्म से लता जी और महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में इस गीत को देखिए जो एसएन त्रिपाठी जी की ही कॉम्पोजिशन है।
कवि कालिदास फिल्म से इस गीत को सुनिए, श्याम भई घनश्याम ना आए। की फिल्म जन जन के फेरे, इस फिल्म का ये गीत तो बहुत ही हिट हुआ था, आपको याद होगा। जरा सामने तो आओ चलिए, जरा सामने तो आओ चलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। '59 की रानी रूपमती फिल्म का यह गीत देखिए, झननन झन झननन झन बाजे पायलिया। त्रिपाठी जी अच्छा गाते भी थे। पहला कॉम्पोजिशन इन्होंने राजकुमारी जी के साथ गाया, यह गीत था नन्ना सा दिल देती हूँ। ये फिल्म 1941 में रिलीज हुई थी और काफी सक्सेसफुल थी। म्यूजिक कंपोजर SN त्रिपाठी जी ने उत्तरा अभिमन्यु,
रतन मंजरी, जन जन के फेरे, पक्षीराज, लाल किला, संगीत सम्राट तानसेन आदि फिल्मों में काम किया। एस एन त्रिपाठी जी फिल्म डायरेक्टर भी थे। आइए आपको बताएं उन फिल्मों के कुछ नाम जिसमें इन्होंने एज फिल्म डायरेक्टर काम किया। राम हनुमान युद्ध, कवि कालिदास, पक्षीराज, रानी रूपमती, अमृत मंथन, पिया मिलन की आस, संगीत सम्राट तानसेन, शिव पार्वती, देव कन्या, महाराजा विक्रम और कुंवारी। नहीं नहीं, अभी बात पूरी नहीं हुई। रीजनल फिल्म्स के लिए इन्होंने कहानी और डायलॉग्स भी लिखे। आपने एक बात तो नोट कर ली होगी कि एस एन त्रिपाठी जी को ज़्यादा माइथोलॉजिकल फिल्म्स में म्यूज़िक देने का मौका मिला, जैसे गणेश महिमा, नाग दुर्गा, नाग पंचमी, राम हनुमान युद्ध, विष्णु पुराण, नाग मेरे साथी, खुदा का बंदा। क्या आप जानते हैं कि राम भक्त हनुमान फिल्म में हनुमान जी का रोल एस एन त्रिपाठी जी ने ही किया था? 1950s में माइथोलॉजिकल फिल्म्स के साथ ज़्यादातर हिस्टोरिकल और पीरियड फिल्म्स आने लगीं। इस वजह से एस एन त्रिपाठी जी को बहुत सी फिल्म्स में म्यूजिकल कंपोज़र के रूप में काम मिला। एस एन त्रिपाठी जी ने 10 भोजपुरी फिल्मों में भी म्यूजिक दिया। रवींद्र संगीत के आधार पर भी एस एन त्रिपाठी जी ने कई गीत बनाए। 50 सालों में यानी 1938 से 1985 तक एस एन त्रिपाठी जी ने 111 फिल्मों में म्यूजिक दिया। 28 मार्च 1988 को मुंबई में इनका देहांत हुआ। दोस्तों, जब मैंने एस एन त्रिपाठी जी की कुछ कॉम्पोजिशन सुनी तो मुझे लगा इनके बारे में और भी कुछ जानना चाहिए, और तब मैंने देखा कि ये बहुत ही वाइवेशियस इंसान थे, बहुत ही एंथुजियास्टिक इंसान थे, जो कि बॉलीवुड म्यूज़िक ही नहीं, इनका योगदान फिल्मों में डायलॉग्स देने में, एक्टिंग करने में और कितने ही म्यूज़िक से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं उसमें इन्होंने अपना योगदान दिया। इनका नाम हमेशा अमर रहेगा और हम म्यूज़िक की फील्ड में इनके योगदान के लिए हमेशा आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्ते।